8 times animal really messed with the wrong opponent. आज हम आपको अपनी वीडियो में उन जानवरों के बारे में बताएंगे जो अपने से अलग जानवरों से दुश्मनी मोल ले लेते हैं और बाद में पछताते हैं। कुछ जानवर तो ऐसे भी हैं जो खुद का साइज देखे बिना बड़े से बड़े जानवर से उलझ जाते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए और हाँ, बगल के बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूलिएगा। डक एंड ओपोनेंट। पेलिकन थोड़े अजीब से जानवर होते हैं। ये एक तरह के बत्तख होते हैं। उनके शरीर के हिस्से से बड़ी उनकी चोंच होती है। पेलिकन हवा में भी उड़ने की क्षमता रखते हैं और पानी में तैरने की भी कैपेसिटी रखते हैं। वे अपने भोजन के लिए मछलियों को अपना शिकार बनाते हैं और कभी कभी तो वो पक्षियों को भी नहीं छोड़ते हैं। हालांकि पेलिकन कभी कभी अपनी कैपेबिलिटी को लेकर काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, जिसकी वजह से उन्हें अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट का भी सामना करना पड़ता है, जैसा कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। झुंड में मौजूद एक पेलिकन काफ़ी भूखा होता है, इसलिए वो कबूतर को खाना बनाने के फिराक में होता है। तभी वो एक कबूतर पे हमला करता है और अपनी चोंच में उसे फंसा लेता है। हालांकि यहाँ कबूतर हार नहीं मानता, वो अपनी जिंदगी पेलिकन को सौंपने की जगह उससे लड़ता रहता है। पेलिकन की चोंच में फंसा कबूतर फड़फड़ाता है और निकलने के लिए संघर्ष करता है। वो लगभग पेलिकन की चोंच से बाहर निकलता ही है कि पेलिकन उसे निकल लेती है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे वो कबूतर पेलिकन के गले में बचने की कोशिश कर रहा है। फिलहाल इस वीडियो में आगे ये पता नहीं चल पाया कि पेलिकन ने उसे खाया या फिर वो भाग गया। लेकिन बात चाहे जो भी हो, कबूतर से ये सीखने की बात है कि जिंदगी चाहे जिस मोड़ पे भी हो, हार नहीं माननी चाहिए और संघर्ष करते रहना चाहिए। टर्टल वर्सेस स्नेक। अक्सर सांप को जहरीले और शातिर क्रीचर के लिस्ट में शामिल किया जाता है, जबकि कछुए काफी शांत स्वभाव के माने जाते हैं। लेकिन हम जो वीडियो में दिखाने जा रहे हैं वो इस ओपिनियन को एकदम बदल देगा, वैसा ही जैसा ये शख्स कहता है। एकदम से वक्त बदल दिए, जज्बात बदल दिए। इस वीडियो में सांप शांत नजर आ रहा है और कछुआ अपनी चौड़ में नजर आ रहा है। कछुआ पानी में जा रहा होता है और गुर्राते हुए सांप को हटने के लिए कहता है, लेकिन ढीठ सांप उल्टा कछुए पे हमला कर देता है। कई बार सोचने के बाद आखिरकार कछुए का दिमाग सटक जाता है और वो मौका पाते ही सांप को अपने मुंह से दबोच लेता है। सांप खुद को बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कछुआ उसे अपने ताकतवर दांतों से काट लेता है और मार डालता है। इसके बाद कछुआ सांप को अपने मुंह में दबाकर अपने घर ले जाता है और अपने भोजन के लिए खुश हो रहा होता है। थिंग्स ऑलवेज डोंट गो एज प्लान्ड। अगर एक बड़ी गाय और एक छोटी बकरी का सामना हो जाए तो आपको क्या लगता है, इस टसल में किसकी जीत होगी? यकीनन आप एक गाय को ही विनर ठहराएंगे, लेकिन यहाँ आप गलत हैं। इस वीडियो को देखा आप हैरान रह जाएंगे कि कैसे एक बकरी के जज्बे के आगे एक बड़ी गाय की ताकत भी फीकी पड़ गई है। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे एक छोटी सी बकरी बड़े से गाय से लड़ाई मोल ले लेती है। दोनों एक दूसरे के खिलाफ एक कॉम्पिटिटर की तरह लड़ रहे हैं। गाय और बकरी अपने सींग से एक दूसरे को धक्का देने की कोशिश कर रहे हैं और आपको देखकर हैरानी होगी कि हर बार बड़े से गाय के आगे जीत छोटी सी बकरी की होती है। मतलब कॉन्फिडेंट और साहस के बल पे उसकी लड़ाई देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। अब वो भी क्यों ना, अक्सर बड़े जानवर छोटे जानवरों पे अपना प्रभाव जमा पाते हैं, लेकिन इस वीडियो ने लोगों का नजरिया ही बदल दिया। हालांकि इन दोनों के बीच लड़ाई कोई बड़ी नहीं थी, दरअसल दोनों दोस्त हैं और अक्सर उसी खेल में अपना समय बिताते हैं। ये लड़ाई महज एक खेल था, इसमें किसी को भी चोट नहीं लगी। टाइग्रिस वर्सेस क्रोकोडाइल। आपने वो कहावत तो सुनी होगी, माँ का अपने बच्चे के लिए प्यार किसी भी कानून और साहस से ऊपर होता है। ये कहावत भारत में रणथंभौर नेशनल पार्क में कैप्चर किए गए इस बाघिन पे एकदम फिट बैठती है। इस बाघिन का नाम मकाली था, जिसे बंगाली बाघिन कहा जाता था। एक वक्त था जब इस शेरनी ने सोशल मीडिया पे खूब सुर्खियां बटोरी थी। इस बाघिन का अपने बच्चे के प्रति प्रेम देखकर हर कोई हैरान रह गया था। दरअसल मकाली ने अपने बच्चे को बचाने के लिए 14 फुट के मगरमच्छ को मौत के घाट उतार दिया था। मगरमच्छ को मारने के दौरान बाघिन ने अपने दो दांत गवा दिए थे। इस घटना के बाद ये पूरी दुनिया में फेमस हो गई। वैसे ये पहली बार नहीं था जब मकाली की माँ की ममता जागी थी। इससे पहले दो और मगरमच्छों को मौत के घाट उतार चुके थे। हालांकि अब मकाली इस दुनिया में नहीं है। साल 2016 में ओल्ड एज की वजह से उसकी मौत हो गई। वैसे मकाली को निधन पर रणथंभौर की रानी का ताज भी पहनाया गया था। वो पहली ऐसी बाघिन थी जो 20 सालों तक जिंदा रहे थे, जबकि आमतौर पर बाघ बाघिन की उम्र 12 से 14 साल तक होती है। इसके पीछे की वजह उसका अच्छे से देखभाल और उसकी शिकार की ताकत भी थे। बता दें, इस नेशनल पार्क में आधे से ज्यादा बाघ मकाली के वंश के ही हैं। वैसे इस बाघिन ने इतनी लोकप्रियता हासिल की है कि इसके नाम का विकिपीडिया पेज भी है। साथ ही भारत सरकार द्वारा जारी एक स्मारक डाक कवर और मानक पद भी इसके नाम है। चिंपैंजी वर्सेस रकून।
दुनिया भर के जानवरों के लिए जंगल तो उनका घर होता है, लेकिन कुछ जानवरों के लिए चिड़िया घर भी उनका घर होता है, जहाँ कभी सुंदरता नजर आती है तो कभी कभी कठोरपन, जैसे कि इस वीडियो में नजर आ रहा है। आमतौर पर चिड़ियाघर में एक जैसे नस्ल के जानवरों को एक साथ ही रखा जाता है, और अगर कोई दूसरे नस्ल का जानवर एक साथ हो तो फिर ये देखा जाता है कि वो एक दूसरे के दोस्त हों। हालांकि इस वीडियो में ऐसा नहीं है। अक्टूबर 2012 में सेंट लुइस चिड़ियाघर के एक रैकून चिंपैंजी के इलाके में चली गई, जहां वो एक सनकी चिंपैंजी के हाथ लग गई। सनकी चिंपैंजी ने उस रैकून की पूंछ को पकड़कर उसे गोल गोल घुमा दिया। काफी परेशानी के बाद आखिरकार रैकून ने उसे चकमा दिया और कैसे भी करके वहां से फरार हो गया। वैसे रकून अपनी जान बचाकर वहां से फरार तो हो गया, लेकिन इसके साथ ही उसने एक सबक भी सीख ली कि कभी किसी चिंपैंजी के साइडलाइन को पार नहीं करना चाहिए। गोरिल्ला सकर पंचेस, अनदर अनरूली गोरिल्ला। वैसे तो कहा जाता है कि लड़ाई सिर्फ दूसरे नस्ल के जानवरों से होती है, लेकिन इस वीडियो में एक ही ग्रुप के गोरिल्ला आपस में लड़ते नजर आए। ये फुटेज 2012 में सैन डिएगो चिड़ियाघर में लिया गया था। ये दुनिया भर में सोशल मीडिया पे जमकर वायरल हुआ। गोरिल्ला अक्सर चिड़ियाघर में दर्शकों को एंटरटेन करते नजर आते हैं, और ऐसा वो अपनी मस्ती के लिए करते हैं। ऐसा ही कुछ गोरिल्ला ने भी करने की कोशिश की। इसमें कोशिश वर्ड का इस्तेमाल इसलिए हुआ कि इन गोरिल्ला के ग्रुप में गोरिल्ला थोड़ा आक्रामक हो गया था, जिसकी वजह से उसे बड़े गोरिल्ला से जोरदार थप्पड़ मिल जाता है। ये सभी गोरिल्ला एक बाड़े में बैठे होते हैं, तभी उनमें से एक मस्ती करने के मूड में आगे आता है और ऊटपटांग हरकतें करने लगता है। तभी वो एक छोटे से गोरिल्ला को उठाकर हवा में फेंक देता है और उसे लुटका देता है। इस हरकत पर भीड़ देखकर हंसने लगती है, जिसकी वजह से हवा में फेंके हुए छोटे गोरिल्ला को एम्बैरेसमेंट फील होता है और वो चुपचाप कोने में बैठ जाता है। उसके चेहरे से साफ नजर आता है कि वो अपने युवा गोरिल्ले के ऑफेंस से काफी नाराज था। बहरहाल युवा गोरिल्ला यहाँ चुप नहीं रहता है, वो फिर से मस्ती करने के मूड में आगे बढ़ता है, लेकिन इस बार उसे बड़े गोरिल्ला से जोरदार तमाचा मिल जाता है, जिसके बाद उसका मुंह बन जाता है। ज़ेब्रास वर्सेस हार्ट बीस्ट। ये वीडियो एक वाइल्ड लाइफ सैंक्चुअरी में कैप्चर किया गया था। वैसे तो ज़ेब्रा और हार्ट बीस्ट नाम के जानवरों के बीच सब ठीक होता है, लेकिन कभी कभार अपनों को बचाने के लिए सामने वाले को आक्रामक होना पड़ता है। यहाँ भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस वीडियो में नजर आ रहा है कि ज़ेब्रा और हार्ट बीस्ट आपस में लड़ रहे हैं। उनकी इस लड़ाई की वजह कोई और नहीं बल्कि हार्ट बीस्ट का बच्चा था। दरअसल ज़ेब्रा ने किसी वजह से हार्ट बीस्ट के बच्चे को पसंद नहीं किया और उस पर हमला करते हुए उसे लात मार दी। शुक्र हुआ कि लिटिल हार्ट बीस्ट को कुछ हुआ नहीं, लेकिन बच्चे के साथ ऐसा देख माता पिता नाराज हो गए और ज़ेब्रा के खिलाफ आक्रामक हो गए। अब उनके पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। बच्चों पे बात आती है तो माता पिता दुनिया से लड़ने को तैयार हो जाते हैं। ऐसा ही कुछ हार्ट बीस्ट ने भी किया। अब वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे हार्ट बीस्ट अपने नुकीले सींग के जरिए ज़ेब्रा को भगाते हुए नजर आ रही है। हालांकि ज़ेब्रा भी ढीठ होता है, लाख भगाने पे भी बार बार वापस आ जाता है, लेकिन हार्ट बीस्ट भी जिद्दी होती है और वो ज़ेब्रा को भगा के ही दम लेती है। बता दें कि हार्ट बीस्ट ऐसे जानवर होते हैं जो वनस्पति की सुरक्षा करते हैं। तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बता सकते हैं, और उससे पहले इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।